ये अपडेट बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता होगा SSA का रिजल्ट निकल गया है और SSA के तमाम अभ्यर्थी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और जिनका हुआ है इस एग्जाम में उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट अपडेट है और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि अभी बाकी के दो एग्जामों के रिजल्ट अभी आने बाकी हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको मैं एक रिक्वेस्ट करने वाला हूँ, SSA के जितने भी तमाम अभ्यर्थी हैं जिनका एग्जाम में रिजल्ट में नाम आ चुका है, जिनकी सिलेक्शन हो चुकी है, उनको सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन हमारी तरफ से। बट ये जो इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके लिए होने वाली है, आपको ज्वाइनिंग के बारे में भी बताएंगे और भी बातें बताएंगे और भी जितनी भी तमाम आज की जितनी भी जॉब से रिलेटेड अपडेट है उसको भी बताएंगे। बट ये हिमाचल के एस्पिरेंट का सवाल है, ये हिमाचल के बहुत ही ज़्यादा, ये आप सोच नहीं सकते दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश में ये पहली बार हो रहा है। तो अभी मैं जो भी सब स्टेशन अटेंडेंट के सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ और जितने भी कैंडिडेट हैं ये वीडियो जो है उनके पास ज़रूर से पहुँचाइए, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि बहुत ही मेहनत के बाद ये SSA का रिजल्ट आया है। और रिजल्ट आने के बाद क्यों ये इंपॉर्टेंस आपके लिए बन रहा है, देखिए रिजल्ट आ गया, हमने जो मेहनत की, हमने कितनी मेहनत की आपने को पता ही होगा कि एक कैंडिडेट जो है आज की डेट में बहुत ही हरेश होता है एक रिजल्ट को पाने के लिए, एक वैकेंसीज को पाने के लिए, एक जॉब्स पाने के लिए हिमाचल में अगर आज की डेट में देखा जाए। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भर्तियां थी, बहुत ही बड़े अमाउंट पे वैकेंसीज निकली थी, तो उसमें जो है जितने भी अभ्यर्थी जो हैं उन्होंने एग्जाम दिया, जो SSA का एग्जाम भी दिया, इलेक्ट्रिशियन पावर हाउस का दिया, MNT का दिया और लाइनमैन का दिया और आपका जो है इलेक्ट्रिशियन का दिया, तो उसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसीज थी। और SSA में जो वैकेंसीज थी वो 163 वैकेंसीज थी और इसमें से SSA में जिनकी सिलेक्शन हुई है उनमें से 50% कैंडिडेट ऐसे हैं उनकी सिलेक्शन लाइनमैन में भी हुई है और इलेक्ट्रिशियन में भी हुई है। तो दोस्तों ये क्यों इंपॉर्टेंट है अपडेट, तो मैं आप सभी को बता दूं कि आपको जो है आप देख सकते हैं कैंडिडेट जो है एक जॉब पाने के लिए कितना तरसता है। अगर आप SSA के बाद अभी डॉक्यूमेंटेशन होनी है इलेक्ट्रिशियन की, अभी लाइनमैन का कोई अता पता नहीं है क्योंकि ये जो है विजिलेंस की इंक्वायरी में पड़ा हुआ है, अभी इसका रिजल्ट कब आना है इसमें देरी लग सकती है हालांकि, बट इलेक्ट्रिशियन की बात की जाए तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन की डेट आएगी। तो उसमें आपसे रिक्वेस्ट है कि सब स्टेशन अटेंडेंट के जितने भी अभ्यर्थी हैं जैसे ही रिजल्ट आया उनका, तो आपसे को बताया आपके मन में कितनी खुशी का माहौल हो चुका था और आप जो है खुशी के आंसू भी रोए होंगे क्योंकि ये रिजल्ट बहुत ही मुश्किल से आया है। तो जितने भी कैंडिडेट का इसमें सिलेक्शन हुआ है ये एक बात ध्यान रखिए, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन जो इलेक्ट्रिशियन की डॉक्यूमेंटेशन होगी जो डेट अभी अनाउंस होगी नोटिफिकेशन आएगा उस डॉक्यूमेंटेशन में जरूर प्लीज़ मत आइए अपनी, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में नहीं आएंगे तो आपका नाम वहां से कट हो जाएगा और उस अभ्यर्थी को मौका मिलेगा जिसका सब स्टेशन अटेंडेंट में नंबर नहीं हुआ है, क्योंकि मेरिट अगर डाउन जाएगी तो उन तमाम अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा जॉब पाने का, क्योंकि वेटिंग लिस्ट की अगर बात की जाए इंतजार किया जाए आप सभी को पता होगा। देखिए मैं तो आवाज़ उठा ही रहा हूँ, आपको भी आवाज़ उठानी है और आपको जो है देखिए जितने भी जॉब से रिलेटेड मुद्दे रहते हैं मैं उनको उठाने की कोशिश करता हूँ, ऐसा कोई भी यूट्यूबर आज की डेट में नहीं कर रहा है। इसके लिए जो है आप मोटिवेशन के लिए जरूर से चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही रहे हैं उसके लिए धन्यवाद, बट लाइक भी कर दीजिए। और देखिए टुडे अगर आज जॉब्स के बारे में बात की जाए तो अभी जॉब्स का आ पाना बहुत ही थोड़ा सा मुश्किल है। अभी देखिए हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी भर्ती आई कितने साल बाद, 2 साल बाद जो है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भर्ती आई और जो तमाम अभ्यर्थी जो है कई सालों से तैयारी कर रहा है जिनका सिलेक्शन में नहीं हुआ उनको मौका दिया जाए, वो आप दे सकते हैं। आप अगर आपका सिलेक्शन हो चुका है आपको 1-1.5 महीने के अंदर आपको जो ज्वाइनिंग लेटर है वो मिल जाएगा। देखिए अगर आप SSA में ही अगर देखिए आगे JEE की तैयारी भी आप सभी को करनी है बट इसमें तमाम अभ्यर्थी जो हैं डिप्लोमा होल्डर हैं, SSA की अच्छी जॉब है और इलेक्ट्रिशियन की भी अच्छी जॉब है, पर एक देखिए अगर आप नहीं आएंगे तो उन कैंडिडेट को सहारा मिलेगा, उनका भी घर बार चल पड़ेगा और उनके उनके दिल में भी खुशी होगी। देखिए अगर आप एक अच्छे दिल रखते हैं तो आप डॉक्यूमेंटेशन में मत आइए ताकि जो कैंडिडेट है इलेक्ट्रिशियन का उसको जो है मौका मिले और इसमें सिलेक्शन हो जाए। हालांकि लाइनमैन में जो है कैंडिडेट आए
और सब माना कि उस टाइम पे रिजल्ट नहीं निकला था, बट अभी सब स्टेशन अटेंड का रिजल्ट निकल गया। तो तमाम अभ्यर्थियों से रिक्वेस्ट है, और जरूर से कमेंट करिए जो नहीं आ रहा है, प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है। और तमाम भर्तियों के बारे में हम बात करें तो अगर ड्राइंग मास्टर की बात की जाए तो इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर सरकार को पड़ रहा है। और अभी मैं बात करूँ, देखो हिमाचल प्रदेश में अभी भी जंग जारी है एक तरह से कह सकते हैं। तो जितने भी एस्पिरेंट हैं, तो अभी आप देख सकते हैं 962 पोस्ट कोड और 980 पोस्ट कोड जो है उनकी अल्टीमेटम जो है जा चुका है, इनका जो पोस्टर बन चुका है, जो भी एप्लीकेशन का काम था वो हो चुका है, और इन्होंने डिसाइड कर दी है जो डेट है वो आपकी 20 जुलाई है। मुझे कैंडिडेट के थ्रू ही ये मिली। तो देखिए अगर लाइनमैन का रिजल्ट अभी जल्दी, जिसको भी जल्दी लाने लाने की पड़ी है, तो लाइनमैन का रिजल्ट जब भी आएगा, देखिए लाइनमैन का रिजल्ट विजिलेंस की इंक्वायरी में है, जैसे ही ड्राइंग मास्टर के लिए ये अनसन कर रहे हैं, आप लाइनमैन के लिए अनसन कीजिए क्योंकि आपका उसमें सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। तो जिनका भी लाइनमैन में जो रिजल्ट अटका पड़ा है, एसएससी में नहीं हुआ, वो जरूर से इस प्रोटेस्ट में जाए, समर्थन दें। और ये जो प्रोटेस्ट होगा 20 जुलाई को होगा और 10 बजे होगा, ध्यान में रखिए। और तमाम जितने भी कमेंट थे पिछली वीडियो में, आज हम डिस्कशन करेंगे क्योंकि बहुत लोगों ने कमेंट किए हैं। और हमारे पास एक अभ्यर्थी है जिसका पोस्ट कोड है 967। देखिए जिसकी ज़्यादा पोस्टें निकलती हैं उसके पीछे साथ देने के लिए बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं, जिसकी कम दो चार पांच पोस्टें निकलती हैं उन अभ्यर्थियों के पीछे कौन होता है? कोई नहीं होता है। आप सभी को ही समर्थन देना है, एक साथ जुट होके। और अभी मैं बात करूँ तो इस कैंडिडेट का जो एग्ज़ाम है डिस्पेंसरी का, तो ये एग्जाम हो चुका है जो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सेक्शन बोर्ड जब भंग हुआ उससे पहले हो चुका है, तो इसका रिजल्ट ऑब्वियसली आएगा, ये जो जरूरी जरूरी बात है। और आप देख सकते हैं इसका एडमिट कार्ड, ये पूरी तरह से देखिए एक कैम है। वही बात कर रहा था आपसे कि अगर आप मौका देंगे तो सभी को जॉब मिलेगी, ये आपका दायित्व तो बनना चाहिए। तो देखिए पूरा जो पेपर है वो भी सॉल्व हो चुका है और कलेक्शन भी इन पेपर की हो चुकी है, तो बाकी सिर्फ रिजल्ट बनाना बाकी है, जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन, अभी अगर बातचीत की जाए तो आप सभी को पता होगा जैसे ही ये इश्तिहार जारी किया गया, जो आपका जो अनशन का 7 तारीख सॉरी 8 महीने से ज़्यादा हो गए थे रिजल्ट को ना आए हुए, तो ये जारी किया गया, उसके बाद आप सभी को पता है कि हलचल होनी स्टार्ट होगी। जो सचिवालय में एक और मीटिंग बुलाई गई जिसमें पब्लिक सर्विस कमीशन से ब्यौरा लिया जा रहा है, विजिलेंस इंक्वायरी से ब्यौरा लिया जा रहा है पेंडिंग भर्तियों के रिगार्डिंग में। और अभी नई भर्तियों को लेकर भी जो जितने ज्यादा कमेंट आए उनके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो सटीक आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो हिमाचल प्रदेश पीजीटी की नोटिफिकेशन कब स्टार्ट होगी? देखिए मोनिका ठाकुर जी ने ये कमेंट किया है, तो मैं आप सभी को बता दूं एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो ड्राफ्ट था वो बन चुका था, उसमें जो साइन थे वो हो, जो अप्रूवल था वो मिल चुका, फाइनेंस से अप्रूवल मिल चुका, कैबिनेट मीटिंग से भी अप्रूवल मिल चुका, बट अब नोटिफिकेशन आएगा वो कहाँ पर आएगा? वो आपकी रिक्रूटमेंट एजेंसी पर आएगा। और पब्लिक सर्विस कमीशन ने का बयान चेयरमैन का अभी आया था कि वो तैयार है एस नई भर्तियों को कराने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो, एक लॉ के दायरे पे ही काम करती है, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री से बात हुई कि जो नई भर्ती है वो कराने के लिए तैयार हैं और रिजल्ट निकालने के लिए भी तैयार हैं। बट अभी ये जो मामला है, अभी आप देखेंगे क्यों इतना अटका पड़ा है। उन्होंने मांग की थी कि उनको जो है स्टाफ ज़्यादा दिया जाए, अभी जो रिजल्ट निकाल रहे हैं रिजल्ट में ही इतनी देरी कर रहे हैं, और अपने जो पब्लिक सर्विस कमीशन के पोस्ट कोड हैं उनके रिजल्ट भी निकाल रहे हैं, उनकी जो तैयारी कर रहे हैं, आगे के जो सिलेक्शन प्रोसेस है उनकी तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम उन पर स्ट्रेस अभी है, और काम है बट उनको करना चाहिए, जल्दी से करना चाहिए। तो देखिए या तो नई वैकेंसीज पे इसका नोटिफिकेशन आएगा या तो पब्लिक सर्विस कमीशन इसका नोटिफिकेशन निकालेगी, और कब आएगा इसके लिए थोड़ी सी देरी लग सकती है। तो पर आप जो है अपनी तैयारी लगातार बनाते रहिए क्योंकि ये जो वैकेंसीज है कभी भी आ सकती है, सबसे पहले यही वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी क्योंकि क्लियरेंस है वो सटीक पूरी तरह से मिल चुका है। और नंबर कितने कैटेगरी के तुमने वो सर फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती कब तक आएगी? देखिए फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती मैंने अगर डेट बता दी
तो आप क्या फिर उस दिन के लिए तैयारी करोगे? आपको तैयारी लगातार करनी है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि जो डिपार्टमेंट है उसने जो ड्राफ्ट तैयार किया है उसको अप्रूवल मिल चुका है, फाइनेंस से अप्रूवल मिल चुका है। ये सिर्फ लास्ट, मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी उसमें कहा था कि ये लास्ट जो है कैबिनेट मीटिंग है, आपको अपडेट लगातार लेनी चाहिए, क्योंकि जो अगली कैबिनेट मीटिंग है वो 25 तारीख को है। 25 तारीख को है कैबिनेट मीटिंग, तो उस पर जो फैसला होगा, तो किन किन वैकेंसीज पर फैसला होगा या फिर आपदा के बारे में फैसला होगा, उसकी अपडेट भी आपको लगातार दे दी जाएगी। और टीममेट की भर्ती भी आपकी कैबिनेट मीटिंग में ही है, मैंने आपको पहले बता रखा है। तो भाई जिनकी हो जिनका हो गया वो इलेक्ट्रिशियन डीबी में ना आए। देखिए ये लड़का भी ऐसा कह रहा है कि जिनका हो चुका है वो इलेक्ट्रिशियन डीबी में ना आए, तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट कर रहा था। और भी कमेंट है, ये बताओ कि न्यू रिक्रूटमेंट आएगी कौन से मंथ में। देखिए अगर मैं बात करूं तो अभी उत्तराखंड का जो सिनेरियो चल रहा है, उत्तराखंड की बात करूं और हिमाचल की बात करूं, उत्तराखंड में बहुत सारी वैकेंसीज जो है लगातार आ रही है, बीजेपी गवर्नमेंट वहां पर है। और देखा जाए तो उत्तराखंड में कम से कम बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज हिमाचल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आई हुई है अभी के मामले में। पर एक बात मैं आपको बता दूं, वहां पर इलेक्शन को चलते पुलिस भर्ती भी फिर से आने वाली है वहां पर, और इलेक्शन के चलते ये जो है पूरी बातचीत हो रही है, पूरी अनाउंसमेंट जो है नेता लोग कर रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं जैसे ही सुखविंदर सरकार यानी कांग्रेस सरकार हिमाचल में आई, तो उसके बाद जो है ये पूरे नारे लगाए, पर अभी तक कोई भी आगे जो है प्रोसेस नहीं हुआ। पर इलेक्शन से पहले, इलेक्शन कब है? मई को है, जो 2024 में है, उससे पहले दिसंबर तक, ये दिसंबर से पहले पहले आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अगर अगली साल हुई तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी ये सरकार को, पर उससे पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो लगातार तैयारी रखिए, नोटिफिकेशन आता है उसमें टाइम लगता है महीने के लिए, और महीने के बाद आपके डायरेक्टली जो है आपके जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज किए जाते हैं। फिर रिजल्ट का तो आप सभी को पता ही है कि कितना टाइम लग रहा है, 8 महीने लग जा रहे हैं। आगे तो कुछ हो ना, इसकी मेरी दुआ है सभी के साथ, पर आप तैयारी लगातार रखिए। अगर आपको कुछ भी जो भी नोट्स अगर चाहिए, अगर आपको नई भर्ती के रिगार्डिंग में कुछ भी स्टडी मटेरियल चाहिए, हम एक एप्लीकेशन भी ला रहे हैं वहां पर आपकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस होगी, तो उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा व्हाट्सएप ग्रुप हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और बाकी कमेंट भी हम पढ़ते हैं। तो भाई पुलिस की भर्ती आएगी कौन से मंथ? देखिए फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती को अप्रूवल मिलेगा तो पुलिस गार्ड की भर्ती को भी अप्रूवल मिल जाएगा उसी टाइम पे, और वो जो है वो भी कैबिनेट मीटिंग में है। अभी मैंने तीन जो बताई थी, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस और आपकी जो ये टीममेट की भर्ती, उनके सभी की जो कट्ठा जिट्ठा है वो ड्राफ्ट है वो पहुंचा हुआ है, वहीं से अप्रूवल मिलेगा। तो ऑल इन वन भैया, आप 973 की डीबी के लिए आओगे? हाँ मैं 973 की डीबी के लिए आऊंगा, क्योंकि मेरा इस महीने ही हुआ है, तो मैं आप सभी को बता दूं। तो जेई इलेक्ट्रिकल गोल्डन पीरियड, हाँ, कह सकते हैं 2016 से 2022 तक, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज जो थी इसमें फिल हुई, लगभग 153 वैकेंसीज भी थी इसमें आई थी। तो अगर बात करें एसएससी, बहुत देखिए मैंने पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कट ऑफ के बारे में आपको कहा था, जैसे ही एसएससी का रिजल्ट निकला तो कट ऑफ के बारे में मैंने कहा था कि वहां पर आपको जो है अपने नंबर छोड़ने हैं, तो आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है वो मैं जल्द ही आपके सामने लाऊंगा। तो अभी जो हमारा जो दूसरा कम्युनिटी का मेंबर है वहां से भी मैंने कट ऑफ मांगी है कि किस अकॉर्डिंग जो कट ऑफ आपके पास पहुंची है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है कट ऑफ जो है आपके सामने लाई जाएगी। जेई कब तक आ सकती है? देखिए जब नई वैकेंसीज आएगी, या फिर ये भी दिसंबर तक आप मान सकते हैं, पर आप तैयारी करते रहिए, जैसे ही आएगी तो टाइम नहीं लगेगा इसका जो एडमिट कार्ड आने में और आपका जो एग्जाम आने में, 6 महीने का टाइम है, तो आप जरूर से और ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि कोई और आगे ना निकल जाए। बहुत सारे कमेंट आए हैं तभी तो मैं बता रहा था आपको। तो एमओ का रिजल्ट भी देखना पड़ेगा, वेटिंग पैनल कब आना है? देखिए यही तो बात मैं बता रहा हूँ, अभी तक वेटिंग पैनल का अभी कोई भी आगे जो है कोई भी अपडेट नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ अब वेटिंग अपडेट पब्लिक सर्विस कमीशन देगा या नहीं देगा इसके बारे में भी देखना है, पर हमें आवाज़ उठानी है। जो भी लोग वेटिंग पैनल पर रह रहे हैं, मेरे चैनल के थ्रू सभी के लिए आवाज़ उठाई जाती है, तो वीडियो को जो है जरूर से लाइक कर दीजिए। और फाइनल कट ऑफ जो है अभी बना रहे हैं, और अगर बात करें तो भाई 1 लाख जॉब, कमीशन डेट बताओ, रोज नो आइडिया। तो अभी की अपडेट यहीं तक, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली अपडेट में, धन्यवाद दोस्तों।